हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसे राज्य की यात्रा पर चलेंगे जहाँ का हर जिला, हर शहर एक अलग पर्यटक के स्थल के रूप में जाना जाता है। सुंदर वातावरण, सैकड़ों प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर और कई नदियों का उद्गम और भी कई चीज़ों के लिए इस राज्य ने अपनी पहचान बनाई है। इस राज्य को वीर भूमि और देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस राज्य की खूबसूरती जिसने करीब से देख ली उसका दिल यहीं का हो जाता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल इसी राज्य में देखने को मिलेंगे। यहाँ के मंदिरों की एक अलग ही पहचान है। विशेष रूप से शिव भक्तों को यह राज्य अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत का ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है और इस राज्य की एक नहीं दो दो राजधानियाँ हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकृति और हिमालय के गोद में बसे एक बेहद खूबसूरत राज्य उत्तराखंड की। तो दोस्तों, आप लोग अपनी सीट बेल्ट मान लीजिए और चलते हैं आज उत्तराखंड की यात्रा पर। वीडियो पूरी देखना, मज़ा आएगा। जो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बन गया। उत्तरांचल की स्थापना के साथ साथ लोगों के हाव भाव को देखकर और इसका विरोध करते हुए इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की सीमाएं तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर देहरादून है, तो वहीं गौरा सिंह को यहाँ की कृषिकालीन राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। गर्मियों में विधानसभा का आयोजन भी केरोसिन में किया जाता है। हालांकि देहरादून को फुल टाइम राजधानी बनाना तथा केरोसिन को कृषिकालीन राजधानी बनाने के लिए कई बार यहाँ विवाद भी हुआ, लेकिन एक और हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट दोनों में से किसी राजधानी में नहीं है। यह हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा न्यायालय है। उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इस राज्य की गिनती भारत के विकसित राज्यों में से की जाती है। उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति और कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं इसका पता आपको यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज से चल जाएगा, जो कि संस्कृत है। देश का सबसे ऊँचा बांध उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम देहरी डैम है, जो कि 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर भारत का प्रमुख डैम है और इससे बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन होता है। इसके जरिए कई राज्यों में बिजली की सप्लाई की जाती है। उत्तराखंड में धीरे धीरे टूरिज्म को अपना पेशा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिरों और हसीन वादियों का दीदार करने हर साल करोड़ों लोग आते हैं। उत्तराखंड की हवा ताज़ी है और साफ पानी की यहाँ कमी नहीं है। यही वजह है कि उत्तराखंड के लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं। उत्तराखंड सिर्फ अपनी वादियों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ 82% लोग एजुकेटेड हैं। हिंदू धर्म के लिए उत्तराखंड को एक धर्म केंद्रित जगह माना जाता है और यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम स्थित है। हरिद्वार में हर रोज शाम को गंगा किनारे आरती होती है, जिसमें हजारों की मात्रा में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। उत्तराखंड में गंगा के ऊपर एक तैरता ब्रिज है जिसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है, और लोगों का कहना है लक्ष्मण जी यह झूला द्वारा गंगा पार करने में सफल हुए थे। उत्तराखंड की गोद में तीर्थों के चारों धाम बसे हुए हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक श्रद्धालुओं के सबसे पवित्र धाम ये चार स्थल हैं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, जिनका दर्शन मन को सुकून और तन को शांति प्राप्त कराता है। उत्तरकाशी उत्तराखंड को वह स्थान है जहाँ चार में से दो धाम स्थित हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। वहीं बाकी बचे दो धाम में से एक धाम रुद्रप्रयाग के जिले के अंदर आता है, जो केदारनाथ है। केदारनाथ का नाम सुनते यकीनन आपके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई होगी। यह शिव भक्तों का सपना होता है कि वो लाइफ में एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाएं। वहीं चौथा धाम बद्रीनाथ है, जो चमोली जिले के अंदर आता है।
चमोली उत्तराखंड के सबसे ऊंचे जिलों में से एक है भाई। टुंगनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में है जो सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, जो 3680 मीटर ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। इसके साथ देहरादून में घूमने लायक आपको कई जगह मिल जाएंगी। देहरादून की कुछ ही दूरी पर मंसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ पर कई लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ तथा यहाँ की हसीन वादियों में आनंद लेने और सुकून पाने आते हैं। यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ पर घूमने और देखने लायक बहुत जगह है जिसे देखते देखते आपका मन नहीं भरेगा और आपकी आंखें तो इन्हें देख देख कर अपने तन को यहीं का होने को कह देंगी, जहाँ सुकून ही सुकून है। और हाँ, अगर आप उत्तराखंड गए हो और नैनीताल नहीं देखा तो आपने क्या देखा। नैनीताल भी घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध ताल नैनीताल है जिसे देखने हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। और प्रकृति जगह है, इसे कुदरत ने अपने हाथों से नवाजा है। यहाँ पर नैनी झील, नैना देवी मंदिर और भीमताल जैसी जगहों में लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था उत्तराखंड। आपको ये उत्तराखंड की जानकारी कैसी लगी? एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और जगहों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।